हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं दिव्या शर्मा। दोस्तों, अगर आप अपनी पाचन शक्ति को 10 गुना बढ़ाना चाहते हैं, आप चाहते हैं जो भी आप खाना खाएं वो जल्दी पच जाए, आपको कोई ऐसी समस्या नहीं हो जो कि पेट से शुरू होती है दोस्तों, क्योंकि पेट ही है जो सभी बीमारियों की जननी है। दोस्तों, हमारी आयुर्वेद की किताब जो कि आज से हजारों साल पहले वाग्भट ऋषि जी ने लिखी थी, उसमें उन्होंने 3 ऐसे नियम बताए हैं, अगर उनका अनुसरण हम सभी इंसान करने लग जाएं तो हमारी पाचन शक्ति 10 गुना तेज हो जाएगी। तो सबसे पहले जान लेते हैं वो नियम कौन से हैं और उनका फायदा हमें कैसे मिलता है। दोस्तों, सबसे पहली चीज, हमें पानी जब भी पीना चाहिए एक एक घुट घुट करके पानी पीना चाहिए, यानी एक घुट भरिए, फिर आप रुकिए, फिर एक घुट भरिए। दोस्तों, इस तरीके से हर एक घुट के साथ हमारे अंदर लार ज्यादा जाएगी। जितनी ज्यादा लार हमारे पेट में जाएगी, ये लार जो है क्षारीय प्रकृति की होती है और हमारे पेट में बनने वाले तेजाब यानी कि एसिड को शांत कर देती है। एसिड नहीं बनेगा, अगर हमारे पेट के अंदर अम्ल यानी एसिड नहीं बनेगा तो जिंदगी भर हम बड़ी बड़ी बीमारियां जो कि हार्ट अटैक है, शुगर है, बुरा कोलेस्ट्रॉल, ब्लॉकेज, इन सभी बीमारियों से बचे रहेंगे, क्योंकि पेट ही है जो सबसे पहले खराब होता है। हम जो भी खाना खाते हैं वो पचता नहीं है और जिसके कारण ये बड़ी बड़ी बीमारियां उसके बाद लग जाती हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे नियम की। सुबह उठकर चाहे आपको प्यास है या नहीं है, आप पानी पीते हैं, आपको उल्टी जैसा महसूस होता है, लेकिन फिर भी आपने सुबह उठकर बासी मुंह सबसे पहले कम से कम 3 गिलास गुनगुना पानी जरूर पीना है। ये पानी क्या काम करता है? ये पानी जब हमारे पेट के द्वारा बड़ी आंत में जाता है तो आंतों में जमा मल को धक्का देता है और मल जो है वो शरीर से बाहर हो जाता है, हमारी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है। अब बात करते हैं तीसरे नियम की। आपने जब भी पानी पीना है आपने गुनगुना पानी ही पीना है। अगर आप गर्मियों में जब हम पानी पीते हैं तो हमें हमेशा नॉर्मल पानी पीना चाहिए, कभी भी ठंडा या बर्फ वाला पानी हमें नहीं पीना, क्योंकि बर्फ वाला पानी या ठंडा पानी जब हम पीते हैं तो हम वो हमारी जठराग्नी को शांत कर देता है। खाने का काम क्या है? चाहे हम खाना खा चुके हैं या फिर हमारा पेट खाली है, फिर भी हमारा पेट गर्म ही रहना चाहिए, उसे ठंडा नहीं होना चाहिए। जिस भी इंसान का पेट ठंडा हो गया, समझ लीजिए बहुत सारी बीमारियां उसके अंदर न्योता दे रही हैं। दोस्तों, इसीलिए हमेशा ही गुनगुना पानी पीना चाहिए और गर्मियों के दिनों में नॉर्मल पानी पीना चाहिए। तो ये तीनों नियम अगर हर एक इंसान ने अजमा लिए तो उसकी पाचन शक्ति तेज हो जाएगी और बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां उनसे कोसों दूर हो जाएंगी। दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन यहीं तक थी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।